मुख्यमंत्री ने आज पटौदी के निवासियों को बड़ी सौगात दी है। इस वक्त पटौदी विधायक सत्यप्रकाश रावत हमारे साथ हैं। विधायक जी, बड़ी सौगात पटौदी वासियों के लिए चुनाव से ठीक पहले, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये? देखिए, चुनाव तो के लिए समय नहीं, पटौदी ने जब जब जो जो मांगा, चाहे आदरणीय मनोहर लाल जी हो और चाहे आदरणीय नायब सिंह सैन जी, पटौदी के लिए दिल खोल कर मिलता है। आज हमने जो डिमांड रखी सारी की सारी मंजूर हुई है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि पटौदी में कई दशकों से बिजली की दिक्कत है। आज हमने डिमांड की 1-7-3 पावर हाउस, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पटौदी के अंदर हमने न्यू पॉलिटेक्निक की मांग की, कहीं नहीं खुल रही थी, लेकिन हमने डिमांड की इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यू पॉलिटेक्निक आएगा। हमने पटौदी की डिमांड की वेट पॉलीक्लिनिक ट्रामा सेंटर, उसकी आज घोषणा हुई। हमने जो जो भी मांगे, हमने नेशनल हाईवे की बात की, और सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरा इलाका है वो लो पोटेंशियल जोन था। आज उस जमींदार वहाँ पर बहुत सस्ती ज़मीनों में लुट रहे थे, आज से उस इलाका पूरा मीडियम पोटेंशियल जोन हो गया। अब यहाँ पर व्यापार उद्योग की अपार संभावनाएँ होंगी। पटौदी की अगर बात करें, जो आज सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, लगभग कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा? हर जमींदार को मिलेगा, शिक्षा ट्रेनिंग हर जमींदार लेते हैं, पशु हर एक के पास है, आपका हाईवे हम सब चलते हैं, और पॉलिटेक्निक बच्चे सबके प्रशिक्षण लेंगे। और महत्वपूर्ण है, जब हाई मीडियम पोटेंशियल जोन में आया है लो से निकल के, तो निश्चित तौर पर हर जमींदार को उसका फायदा मिलेगा, उसकी एक जमीन। बड़ी मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी पटौदी को जिला बनाने की, आपने भी रखी है मंच के माध्यम से, सौमित्र रामदेव जी ने रखी है, क्या लगता है कि पटौदी जिला कब तक बन जाएगा? उसका खाका माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने क्लियर हो गया है, और मैं इस बात पे अड़िग हूँ कि ग्रेटर गुरुग्राम होना चाहिए, ग्रेटर मुंबई की तरह, ग्रेटर नोएडा की तरह, ग्रेटर हैदराबाद के पैटर्न पर, ग्रेटर अहमदाबाद भी की तरह पर, ग्रेटर गुरुग्राम ये एरिया बनना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं, वो अपना विजन जनता के सामने रख रहे हैं। सत्यप्रकाश रावत का अगले 5 साल का विजन क्या है? मेरा बता दिया ना मैंने, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जय, अपना एक एजेंडा है। माननीय मनोहर लाल जी वाली बात है कि हमने नया आशियाना बसाना है। पटौदी बहुत पीछे था, और NCR का जब तक सबसे भव्य आधुनिक और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हमारा ये पूरा पटौदी विधानसभा माणेसर से लेके धारण तक जब तक डेवलप ना हो जाए, जब तक ये नया एक ग्रेटर ना बन जाए, तब तक मेरी यात्रा ये रुकेगी नहीं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सत्यप्रकाश रावत हमारे साथ थे। आज मुख्यमंत्री ने पटौदी वासियों को करोड़ों की सौगात दी है, जिससे पटौदी वासियों को बेहद लाभ मिलेगा। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबर अभी तक।